बिनार तहसील क्षेत्र के बुड़दा में इन दिनों ग्रामीण विद्युत मंडल की मनमानी से परेशान हैं। यहाँ के किसानों ने बताया कि पिछले 8 महीने से गांव में बिजली ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है, ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल रही है। उसके बाद भी विद्युत मंडल बिजली के बिल भेज रहा है। इसकी शिकायत भी ग्रामीणों द्वारा विद्युत मंडल को कई बार दर्ज कराई गई है। इसके बाद भी विद्युत मंडल लगातार बिल भेज रहा है, उससे परेशान ग्रामीणों ने शुक्रवार को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि गाँव में खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदला जाए और खराब पड़े ट्रांसफार्मर अवधि के बिल को माफ किया जाए। बरार से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या लाइट की है। काफी समय से करीबन 8 महीना हो गए भाई साहब, लाइट नहीं है, बिल बाकायदा जा रहा है इनका। अच्छा, लाइट क्यों नहीं है? ट्रांसफार्मर ही नहीं है। 8 महीने से ट्रांसफार्मर फुका हुआ है, 8 महीने से ट्रांसफार्मर फुका हुआ है। उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, ये लोग कोई उस पर लोड नहीं ले रहे हैं। अभी बोले हैं कि ट्रांसफार्मर देंगे 1-2 दिन में। अभी तो ट्रांसफार्मर फिलहाल में नहीं है, लेकिन 1-8 दिन में ट्रांसफार्मर दे देंगे। और वो 6 महीने का बिल भी काटने के लिए बोलेंगे, 6 महीने का पैसा नहीं देंगे।